हाय फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में कॉन्ट्रेक्टर के पार्ट टू के बारे में जो बचे हुए पार्ट है उसके बारे में हम बताएंगे। ऑलरेडी पहले हम ईएम कॉन्ट्रेक्टर के बारे में टोटल मालूम कर लिए हैं, और जो ईएम कॉन्ट्रेक्टर के बारे में नहीं देखे हैं तो पार्ट वन में जा कर के देख सकते हैं, हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में है, बहुत ही डिटेल्स में वीडियो बना हुआ है। अब हम पार्ट टू में हम जो बचा हुआ था उसको हम कवर करेंगे। तो जो फर्स्ट बता दिए थे, नेक्स्ट जो है हम इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कंडक्टर के बारे में जानेंगे कि हमारे लोकोमोटिव में जो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कंडक्टर है वो कौन कौन से है और उसे हम आइसोलेट कर सकते हैं क्या, उसका आइसोलेटिंग स्विच है कि नहीं, ये सभी के बारे में डिटेल्स में मालूम करेंगे। वीडियो को देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे लोकोमोटिव में इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कंडक्टर जो है लाइन कंडक्टर है और शंटिंग कंडक्टर है और रियोस्टेटिक कंडक्टर C145 है और मॉडिफाइड जो लोको है उसमें C118 कंडक्टर है। तो इसके बारे में सबको बारे में मालूम कर लेते हैं। तो लाइन कंडक्टर जो है इसका लोकेशन मालूम करना है तो L1, L2, L3 ये ऑलरेडी लाइन कंडक्टर 6 है, लेकिन L1, L2, L3 जो है ST1 कंपार्टमेंट में रहता है BA1 पैनल, और L4, L5, L6 जो है BA3 पैनल में रहता है ST3 कंपार्टमेंट में। और ये जितने भी कंडक्टर के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं उसका सही लोकेशन हर लोको में थोड़ा बहुत चेंज रहता है। अगर इसको सही डिटेल्स में मालूम करना है तो उसके लिए भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है वीडियो बनाए हुए, आप वहाँ पर उसका लोकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो जा कर के देख सकते हैं। लेकिन इसमें हम लोकेशन के बारे में कोई खास नहीं बताएंगे, लेकिन वो कैसे काम करता है और आइसोलेट कर सकते हैं और हमारा क्या उसमें रोल है उसके बारे में ही जानेंगे। तो लाइन कंडक्टर जो है 6 है वो 6 ट्रैक्शन मोटर के लिए है, यानी कि सभी ट्रैक्शन मोटर के लिए सेपरेट एक एक लाइन कंडक्टर है। अब इसकी ज़रूरत क्या है कि सभी ट्रैक्शन मोटर के लिए सेपरेट जो बनाया गया है ताकि सेपरेट लाइन कंडक्टर क्लोज हो और वहाँ पे सप्लाई जाए। अगर कोई ट्रैक्शन मोटर में अगर प्रॉब्लम आती है तो हमें उसे आइसोलेट करना पड़ता है। तो हम कर सकते हैं कि नहीं, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो जी हाँ, लाइन कंडक्टर को हम आइसोलेट कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे प्रश्न आता है कि वो आइसोलेट करने का वो स्विच कौन सा है। तो HMCS1 जो है स्विच है, अगर लाइन कंडक्टर 1, 2, 3 को आइसोलेट करना होगा तो, और HMCS2 स्विच है जो कि लाइन कंडक्टर 4, 5, 6 को आइसोलेट करना होगा तो। अब इसी से जुड़ा हुआ है, लाइन कंडक्टर 1 का सप्लाई जो है ट्रैक्शन मोटर 1 को जाता है, लाइन कंडक्टर 2 का सप्लाई जो है ट्रैक्शन मोटर 2 को जाता है, 3 का सप्लाई ट्रैक्शन मोटर 3 को जाता है। इसी प्रकार 6 ट्रैक्शन मोटर का सप्लाई सेपरेट सेपरेट जाता है। अब जिस ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट करना है तो आप वहाँ से वो स्विच के द्वारा आप आइसोलेट कर सकते हैं। अब वो किस प्रकार आइसोलेट करेंगे ये पूरा डिटेल्स में मालूम करना है तो उसके लिए तो भी सेपरेट ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट करने का तरीका आप जानना चाहते हैं तो वहाँ पे भी वीडियो बनाए हुए हैं। तो इसमें पॉजिटिव सप्लाई हम स्विच के द्वारा हम आइसोलेट करके हम लाइन कंडक्टर को जो है आइसोलेट कर देते हैं, ओपन हो जाता है, जिससे कि वो ट्रैक्शन मोटर में सप्लाई नहीं जाएगी, आगे आप नॉर्मल उसको आइसोलेट करके नॉर्मल वर्किंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें शंटिंग कंडक्टर भी है। तो शंटिंग कंडक्टर जो है 18 होता है, और वहीं WAP4 लोगो होगा तो उसमें 24 शंटिंग कंडक्टर होता है। तो शंटिंग कंडक्टर कब यूज करते हैं, तो जब हम MP को ये 20 नॉज से ऊपर हमें लेना रहता है और वोल्टेज जो है आपका ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 750 हो गया है और हमें और नॉच लेने की आवश्यकता है क्योंकि करंट कम है, तो करंट को बढ़ाने के लिए और वोल्टेज को कम करने के लिए हम शंटिंग कंडक्टर का यूज हैं। तो उसको यूज करने के लिए MPS रहता है, MPS का 1, 2, 3 पोजीशन रहता है, ऑलरेडी लिखा हुआ आपके ये में रहेगा तो 4 पोजीशन रहेगा, लेकिन 3 ही वर्किंग रहता है, लेकिन अगर वहीं WAP4 लोको होगा तो 4 का 4 वर्किंग रहता है। तो MPS का 1 पोजीशन में 6 शंटिंग कंडक्टर जो है क्लोज हो जाते हैं, और वहीं सेकंड लीजिएगा MPS तो उसमें 12 क्लोज हो जाएंगे, फिर थर्ड लीजिएगा तो 18 टोटल का टोटल हो जाएगा, और वहीं WAP4 लोको होगा तो 4 पोजीशन लेने पे 24 जो है शंटिंग कंडक्टर क्लोज हो जाते हैं। तो इसे लेना जो है 20 नॉच के बाद ही लेना है, उसके पहले ऐसे भी ज़रूरत नहीं होती है और ज़रूरत नहीं है।
लेकिन अगर संटिंग कंडक्टर में अगर लेने से अगर मान के चलिए बाय द वे ऑटो डिग्रेशन आ रहा है या किसी पर भी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है या काम नहीं कर रहा है, तो वैसा में आप इसे नहीं यूज कीजिए। बस इतना ही, इसको आइसोलेट करने का या करने का ऐसा कोई स्विच नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। अब नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कंडक्टर में C145 भी आता है, जो कि ब्रेकिंग के समय हम MP को P में लेके जाते हैं तो ये कंडक्टर क्लोज होता है। और लाइन कंडक्टर को कोई पूछ रहा है कि कैसे क्लोज होता है, तो MP को 0 से N में लेके जाते हैं तो लाइन कंडक्टर क्लोज होता है। और रियोस्टेटिंग यानी कि ब्रेकिंग लेना है तो MP को 0 से P में लेके जाते हैं तो C145 कंडक्टर जो है क्लोज होता है। तो ये भी जो कंडक्टर है C145, ये इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ही कंडक्टर है, यानी कि इलेक्ट्रिक और न्यूमेटिक के सहायता से ये क्लोज होते हैं। और एक मॉडिफिकेशन वाला जो मॉडिफाइड जो लोको अभी सभी जो आ रहा है उसमें C118 जो है कंडक्टर, ये भी जो है इसमें इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कंडक्टर ही है, जिसे कि कंट्रोल करने के लिए, क्लोज करने के लिए BLDJ और BLRDJ को यूज करते हैं, जिससे कि आर्नो को स्टार्टिंग फेज मिलता है। तो ये सभी कंडक्टर जो है ये इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कंडक्टर है। पार्ट टू में बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम कैम कंडक्टर एंड ड्रम कंडक्टर के बारे में मालूम करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।